तो आईफोन 16 फाइनली लॉन्च हो चुका है और कैमरा में काफी अपग्रेड हुए हैं। ऑब्वियसली आईफोन 16 नहीं है, 15 प्रो मैक्स है, बट सबसे मेजर अपग्रेड जो मुझे लगा वो आई थिंक आप भी शायद उससे रिलेट करोगे, क्योंकि आईफोन 16 में नॉर्मली एप्पल इतने फीचर्स देता नहीं है। पहली चीज तो एक्शन बटन आ चुका है, और दूसरी चीज जो नया कैमरा कंट्रोल बटन आया है वो काफी सही है, हैप्टिक फीडबैक है, बहुत सारी चीजें, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला इसका जो बेनिफिट ये है कि आप इसको सिंगल प्रेस करके ही कैमरा ऐप ओपन कर सकते हो, दोबारा प्रेस करोगे तो फोटो क्लिक कर सकते हो। आई थिंक अगर आप इस तरीके से फोटो ज्यादा कैप्चर करते हो, इवन वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो इसको आप प्रेस करके या लॉन्ग प्रेस करके फोटो वीडियो कैप्चर कर सकते हो। बाकी इसमें लाइट टच का भी एक ऑप्शन है, उससे क्या होगा अगर आप लाइट टच करोगे तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड में ब्लर इफेक्ट कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप डबल लाइट टैप करोगे ना, हल्का टैप दो टाइम, तो आपके और एडवांस ऑप्शंस खुल जाएंगे और सेटिंग्स हैं जिनको आप फर्दर कंट्रोल कर सकते हो। तो आई थिंक ये बढ़िया चीज है, स्पेसिफिकली अगर आप फोटो लेते टाइम बार बार फोन ऐसे नहीं करना चाहते या सेटिंग वेटिंग में नहीं जाना चाहते, तो यहाँ से ही आप लाइट प्रेस या सिंगल प्रेस से अपनी फोटोज वीडियोस और सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद प्राइमरी कैमरा की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अब एप्पल बोल रहा है कि 2-in-1 48 megapixel फ्यूजन कैमरा, तो इस तरीके का टर्म यूज हो रहा है। उसका रीजन क्या है, पहली बात आईफोन कह रहा है कि अब आपको 2x ऑप्टिकल लाइक टेलीफोटो मिलेगा। ऑप्टिकल नहीं है, बहुत लोग ये गलती में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि 2x ऑप्टिकल जूम आ गया 16 में, वो ऑप्टिकल नहीं है, वो है डिजिटल जूम ही, उसको मार्केट ऐसे किया जा रहा है, बट एटलीस्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है। पहले वो 2x वाला ऑप्शन नहीं था, अब वो अनलॉक हो चुका है, तो आप 2x पे भी जाके बेटर क्वालिटी में फोटोज वीडियोस ले सकते हो। वीडियो का भी कंफर्म नहीं है, फोटो तो हो ही रहा है। बाकी 1x में तो आप 48 मेगापिक्सल में फोटोज ले ही सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं हुआ है। जो नया है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब पहली चीज, नया कैमरा आया है, नया सेंसर है जिसमें बिगर पिक्सल्स हैं एंड बिगर सेंसर साइज है, तो एप्पल क्लेम कर रहा है कि 2.6 टाइम्स मोर लाइट आने वाली है अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट जो है कि इस कैमरा में अब ऑटो फोकस एनेबल हो गया अल्ट्रा वाइड में, अभी तक अल्ट्रा वाइड ऑटो फोकस नहीं था आईफोन 15 में, 16 में हो जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से अब आप मैक्रो फोटोज ले सकोगे, जो अगेन आईफोन 16 के लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो देखा जाए तो आईफोन इस तरीके से मार्केट कर रहा है कि चार कैमराज हैं, मैक्रो, 1x, 2x एंड अल्ट्रा वाइड, तो इस तरीके से आपको ज्यादा रेंज ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी चौथा अपग्रेड ये है कि न्यू फोटोग्राफी स्टाइल्स ऐड कर दिए हैं। अब ये चीज अच्छा है कि प्रो सीरीज में भी है, 16 में भी है। बाय द वे, प्रो सीरीज का वीडियो भी मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ, वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो नए स्टाइल्स में क्या है, थोड़े और ऑप्शंस दे दिए हैं, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट के अच्छे ऑप्शंस हैं, कलर्ड भी हैं, तो अगेन आपको थोड़ा प्ले अराउंड करना है तो आप कलर स्टाइल्स में एक्सप्लोर कर सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट, AI के बारे में बहुत बात की गई इस इवेंट में। AI में कुछ चीजें अच्छी हैं। पहली चीज, क्लीन अप करके एक फीचर है उसमें कि आप फोटो लेने के बाद कोई आसपास लोग आ गए जिनको हटाना है तो उस तरीके से आप सर्कल करके लोगों को हटा सकते हो, तो ये कुछ AI के फीचर्स हैं जो आईफोन 16 में आए हैं। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं आईफोन 16 के बारे में, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी प्रो सीरीज का वीडियो भी है, वो भी आप चेक कर सकते हो।